सरायकेला के गमरिया प्रखंड में एक रिटायर्ड शिक्षक और एक पदस्थापित शिक्षक ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी करण पात्रा पर जाति सूचक गाली देने और घूस मांगने का आरोप लगाया है। रिटायर्ड शिक्षक चंद्रमोहन चौधरी ने घूस लेने का आरोप लगाया है। बीईओ ने अपने आदेशपाल गणेश गोप के माध्यम से 50,000 रुपये रिश्वत देने की मांग की। रिटायरमेंट से पहले 10 दिसंबर 2020 को बीईओ ने आवास भत्ता की अवैध निकासी के एवज में रिश्वत की मांग की है और नहीं देने पर रिटायर्ड शिक्षक के सारे जो लाभ मिलने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद उससे वंचित करने की बात कही। नहीं तो मुझे विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का सामना करने पड़ेगा। और धमकी दिए थे, मैंने कहा जब तक मेरा सांस है मैं उस भ्रष्ट पदाधिकारी का विरोध करूंगा। उसके बाद दो रिटायरमेंट के दो दिन पहले 29 दिसंबर को मुझ पर आरोप पत्र गठित हो गया। गमरिया बुलाया गया जांच के क्रम में। जब मैं वहां गया और अपना वक्तव्य दे ही रहा था कि श्री कारण कुमार पात्र बद्दुआ देने लगे, निर्वंश हो जाओ निर्वंश हो जाओ, आदेशपाल भी इसी शब्द को रिपीट करने लगा। तो शिकायत ही मेरे लिए एक अभिशाप बन गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं गई भी थी सर के पास अपना, फिर वही बताई कि अभी तक हुआ नहीं सर, तो भाई उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया था। इससे पहले भी बैठक किए थे वो वेतन के लिए, उसमें भी बहुत बुरी तरह मुझे डांटा था, बेइज्जती किया था और बहुत अपशब्द बोले थे। निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र है और कोई साजिश काम कर रही है। ऐसे वो महिला को मैं जानता हूँ, वो अच्छी शिक्षिकाओं में से एक है, हमारे प्रखंड की विद्यालय भी चला रही है, बहुत अच्छे से चला रही है।